हाउ कैन वी प्रिपेयर वन मोडल सोल्यूशन शुगर चीनी उसका अगर एक मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर करना हो तो कैसे करेंगे जी बेटा मैंने आप लोगों को कल मैंने टास्क दिया था मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया था शुगर का सॉरी ग्लूकोज था आई थिंक सो ग्लूकोज था ग्लूकोज और उसका मैंने आपको फार्मूला भी बताया था सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स तो बेटा मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि किसी भी सोल्यूट का अगर वन मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर करना है तो उसका जो भी फार्मूला है बेटा उसके अंदर जो जो एटम मौजूद है सबके एटॉमिक मैसेज को सम करते जाओ तो कार्बन का होता है बेटा ट्वेल्व और कितने कार्बन एटम यहाँ पर मौजूद है सिक्स तो ट्वेल्व मल्टीप्लाई बाय सिक्स प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा वन और कितने हाइड्रोजन मौजूद है यहाँ पर ट्वेल्व तो वन मल्टीप्लाई बाय ट्वेल्व प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है बेटा सिक्सटीन और कितने हमने आइटम यहाँ पे लिए हुए हैं सिक्स तो ये हो जाएगा बेटे सेवनटी टू प्लस ट्वेल्व प्लस नाइनटी सिक्स तो ये ओवरऑल इनको जब सम करोगे तो ये आएगा वन इसका मतलब ये हुआ अगर हम ग्लूकोज के वन एटी ग्राम्स लें और उसको हम बीकर में करें ऐड और उसके बाद इतना इसके अंदर पानी ऐड कर दें कि टोटल जो वॉल्यूम है सोलूशन का वो वन डेसीमीटर क्यूब बन जाए तो ये जो सॉल्यूशन बना है ग्लूकोज का इट विल बी वन मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज जी बेटा बाय एडिंग 180 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज इन वन डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन ये तो हमारा काल का थोड़ा सा मैंने रिवीजन करा दी। आज बेटा आज हमें बनाना है डायलूट सॉल्यूशन और एक कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन तो उसकी एक सिंपल सी एग्जाम्पल देखते हैं जो बेटा आपके ये वाला जो मौजूद है दिस इज कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन यानी कि ऐसे है ना आप लोगों ने घर में जाम शेरी का शरबत बनाया है पानी बनाया जाम शेरी वाला उसमें चीनी ज्यादा ऐड हो गई आपसे तो आपने कहा कि ये सोल्यूशन कंसनट्रेटेड है इसको डायलूट कैसे करें इसके अंदर थोड़ा सा और पानी ऐड कर दें तो वो क्या हो जाएगा डायलूट हो जाएगा चले हम उसी एग्जाम्पल को एक और ऐसे एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हमारे सामने एक कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है इससे हमने बनाना है डायलूट सोल्यूशन हम क्या करेंगे बेटा इसके अंदर नए नए फ्लास्क के अंदर थोड़ा सा कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऐड करेंगे थोड़ा सा इसके अंदर सॉल्यूशन ऐड किया और बाकी इसके अंदर एक्स्ट्रा क्या ऐड कर देंगे मजीद इसमें पानी ऐड कर देंगे इस निशान तक इसमें जब पानी ऐड कर देंगे बेटा तो ये जो न्यू सॉल्यूशन बना है ये क्या हो जाएगा डायलूट सोल्यूशन होगा यानी कि इसके अंदर जो पहले कंसनट्रेटेड सोल्यूशन थोड़ा सा ऐड किया था बाकी इसके अंदर हमने पानी ऐड किया है तो एक न्यू सोल्यूशन बन गया है जो क्या है डायलूट डायलूट सोल्यूशन ये तो हमने अंदाजे से ऐड कर दिया थोड़े सी अमाउंट से हम, थोड़ा सा हमने कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऐड किया एक्स्ट्रा उसके अंदर हमने पानी ऐड किया तो एक न्यू सोल्यूशन बन गया डायलूट सोलूशन लेकिन बेटा अगर हमें सोल्यूशन दिया जाए इस तरह से हमें कहा जाए कि आपको एक सोल्यूशन हम दे रहे हैं जिसकी मोलैरिटी है हम आपको ये वाला सोल्यूशन दे रहे हैं जीरो पॉइंट वन मोलर सॉल्यूशन ऑफ के एम और आपने इससे एक न्यू सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है जिसका वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब हो और उसकी मोलैरिटी जीरो पॉइंट जीरो वन हो तो अब देखें ये एक है जीरो पॉइंट वन वाला और दूसरी तरफ है जीरो पॉइंट जीरो कंसनट्रेटेड है और ये वाला सोल्यूशन कौन सा है डायलूट है तो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन से डायलूट सोलूशन हमने प्रिपेयर करना है यहां पे हमारे मसला ये आ रहा है कि हम यहां से कितनी अमाउंट में कंसनट्रेटेड सोल्यूशन पहले यहां पे ऐड करें और बाद में कितना वाटर ऐड करें कि ये वाली कंडीशन हमारे पास हासिल हो जाए कि जो न्यू सेंटीमीटर क्यूब हो और उसकी मोलैरिटी 0.01 मोलर सॉल्यूशन हो यानी कि हमने एक गिवन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से एक न्यू डाइल्यूट सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है जिसका वॉल्यूम और मोलैरिटी ये होनी चाहिए जो हमें कही गई है इस क्वेश्चन की समझ आई कि हमने करना क्या है बेटा मुझे सिर्फ इस बात का आंसर करेंगे आप लोग क्या आपको इस बात की समझ आई कि हमने हमसे डिमांड क्या की जा रही है हमने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन यहां से कितना सोल्यूट इसमें ट्रांसफर यहां पर देखिए ना बेटा यहां पर तो हमने हमें कोई ये नहीं कहा गया था कि आप

तो फिर अब ये सवाल पैदा होता है कि कितना हम इसमें कंसनट्रेटेड करें और उसमें कितना बाद में पानी ऐड करें ताकि ये वाली कंडीशन फुलफिल हो तो ये हमसे पूछा जा रहा है बेटा तो अब बेटा इसी को हम इसी को हम जरा इसकी कैलकुलेशंस uh, की तरफ जाएंगे इसकी कैलकुलेशंस है लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आप मुझे ये बताओ ये कैसे प्रिपेयर हो सकता है बेटा वही मलिक अब्दुल्ला बेटे वही तो हमने सर्च करने क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी में उसमें KMN4 का कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऐड करें और बाद में कितना पानी ऐड करें उधर हम जाते हैं लेकिन उससे पहले मुझे ये बताएं कि हम के एन फोर का वन मोलर सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं मुझे बता सकता है कोई बच्चा मैं आपको मैसेज बता देता हूं बेटा यहाँ पर जो के है उसका मैस होता है थर्टी नाइन जो एम एन है मैग्नीशियम उसका मैस होता है बेटे फिफ्टी फाइव जो ऑक्सीजन है उसका मैस होता है सिक्सटी फोर अब मुझे ये बताएं हाउ कैन वी प्रिपेयर ये पहला पार्ट सॉल्व करें हाउ कैन वी प्रिपेयर वन मोलर सोल्यूशन ऑफ के एम एन ओ फोर पोटेशियम पर मैंगनेट इसका नाम है इसका वन मोलर सोल्यूशन कैसे प्रिपेयर हो सकता है तो करो ना बेटा मलिक अब्दुल्ला मुझे बताओ एक ऑक्सीजन का बेटा सिक्सटीन होता है तो जो चार ऑक्सीजन है तो सिक्सटीन मल्टीप्लाई बाय फोर सिक्सटी फोर जी बेटा वन फिफ्टी एट ग्राम इसका मतलब है बेटा अगर हम वन 58 ग्राम पोटासियम पर मैगनेट फॉर्म में ऐड करें और उसके बाद उसमें पानी ऐड कर दें कि सोल्यूशन क्या हो जाए वन डेसीमीटर क्यूब तो हमारे पास वन मोरल सोल्यूशन प्रिपेयर हो गया है अगर हमने जीरो पॉइंट वन मोलर सोल्यूशन बनाना हो फिर क्या करेंगे बेटा अगर वन मोलर बनाना है तो उसके लिए 158 फिफ्टी ग्राम रिक्वायर है अगर बेटा 0.1 पॉइंट वन सोल्यूशन बनाना हो तो उसके लिए 15.8 पॉइंट एट ग्राम हमें सोल्यूट रिक्वायर होगा 15.8 पॉइंट ग्राम दोनों को 10 से डिवाइड किया हुआ बेटा जी बेटा 15.8 यानी कि अगर हम फिफ्टीन पॉइंट एट ग्राम सॉल्यूट ऐड करें बेटा बीकर के अंदर और उसके बाद इसमें हम इतना पानी ऐड करें कि सॉल्यूशन हो जाए 1 डेसीमीटर क्यूब तो अब जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ है उसकी मोलैरिटी क्या है 0.1 उसकी मोलैरिटी हुई है 0.1 मोलर सॉल्यूशन जी बेटा चलें अब ये हमारी रैंडम रैंडम हमने डिफरेंट कांसेप्ट्स को समझा है अब हम इन सब एक साथ कलेक्टिवली देखते हैं बेटा बुक पे चलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन

पेज नंबर वन जीरो थ्री है बेटा आप लेट आ रहे हैं ना देखे मैंने इतनी बीस मिनट से डिटेल के साथ डिफरेंट कॉन्सेप्ट समझा रहा था बेटे जो लेट आएंगे ना बेटा अच्छा आप पहले से क्लास में ओके पेज वन जीरो थ्री है बेटा अब बेटा डायलूजन फार्मूला है एम वन वी वन इज इक्वल टू एम टू वी टू मैं भी दोबारा आपको व्हाइट बोर्ड पे लेके जा रहा हूँ बेटे उधर इसको क्लियर करते हैं हम इसी बात को बेटा जो फार्मूला हमने लिखना है हमने जो फार्मूला इस पे अप्लाई करना है दैट इज कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन और दूसरी तरफ बेटा हमने लिखना है डायलूट सोल्यूशन सिर्फ डाइल्यूट लिख रहा हूं सोल्यूशन को छोड़ते हैं एक तरफ सॉल्यूशन, फार्मूला है बेटा, M1 V1 M2 V2. अब यहां पे देखना ये फार्मूला बहुत सिंपल से एम वन वी वन इज इक्वल टू एम टू वी टू अब एम वन क्या है वी वन क्या है एम टू क्या है और वी टू क्या है बेटा एम वन क्या है इसकी मोलैरिटी और वो कहां पर हमें दी गई है वो ऊपर बताई गई है कि जीरो पॉइंट वन मोलर सोल्यूशन है तो इसका एम वन दिया गया है हमें ये हमें क्या है गिवन है ऑफ को अभी छोड़ो हम बताता हूं वी वन क्या है एम टू की तरफ आओ बेटा एम टू क्या है एम टू बेटा मोलियरिटी ऑफ डायलूट सोलूशन है जो ये हमें रिक्वायर है ऊपर देखें जीरो पॉइंट वन में इसको सर्कल कर रहा हूं जीरो पॉइंट वन मोलर सोलूशन हमें रिक्वायर है नहीं बेटा मलिक अब्दुल्ला ऐसे नहीं होगा बेटा तो M2 देखें बेटा M2 क्या है Molarity है और किसकी डायलूट सॉल्यूशन की और वो कितनी वॉल्यूम ऑफ रिक्वायर्ड सोल्यूशन है जो उसने हमें यहां पर बताया मैं उसको रेड से सर्कल कर रहा हूं बेटे ये उसने V2 हमें बताया है, 100 सेंटीमीटर क्यूब अब इसमें देखें बेटा मोलरिटी एम वन हमें ऑलरेडी गिवन है जीरो पॉइंट वन एम टू भी हमें गिवन है जीरो पॉइंट जीरो वन एक मिनट बेटा सॉरी बेटा मैंने माइक म्यूट किया हुआ था मैं दोबारा बताता हूं अब इस बात की तो बेटा देखिए ना एम वन क्या है जीरो पॉइंट वन ये हमें ये गिवन है गिवन सोल्यूशन कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की मोलरिटी एम टू क्या है रिक्वायर्ड सोल्यूशन की मोलरिटी और वी टू क्या है रिक्वायर्ड सोल्यूशन का वॉल्यूम अब वी वन क्या है क्वेश्चन ये प्रोड्यूस होता है बेटा वी वन क्या है तो मैं इधर बता रहा था बेटे वी वन क्या है V1 ये है कि हम यहां से concentrated solution से नई फ्लास्क में कितना वॉल्यूम ट्रांसफर करें कंसनट्रेटेड सोल्यूशन का टेन सेंटीमीटर क्यूब इधर ट्रांसफर करें ट्वेंटी करें थर्टी करें वो हम जो फाइंड करेंगे बेटा इस फार्मूला से इस एम वन वी वन इज इक्वल टू एम टू वी टू इस फार्मूला को यूज करके हमारे पास वी वन आ जाएगा और वी वन क्या होगा कि हम यहाँ से कितना वॉल्यूम इधर ट्रांसफर करें तो अगर हम जब इस वैल्यू में इक्वेशंस को पुट करेंगे बेटा तो ये हमारे पास आएगा जीरो पॉइंट वन मल्टीप्लाई बाई वी वन इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो वन मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड और इस तरह से जब फाइंड करेंगे आंसर तो वी वन आपके पास आ जाएगा टेन सेंटीमीटर क्यूब इसका मतलब ये है बेटा कि इस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन से टेन सेंटीमीटर क्यूब निकालें इधर से टेन सेंटीमीटर क्यूब निकालें यहां पर एड करें वो टेन सेंटीमीटर क्यूब यहां पर आ जाएंगे हमने इसमें एड कर दिए 10 सेंटीमीटर क्यूब इसमें ऐड कर दिए और बाद में एक्स्ट्रा क्या ऐड करेंगे इसमें पानी ऐड करेंगे और कितना पानी ऐड करेंगे कि ये जो 100 सेंटीमीटर क्यूब तक का निशान लगा हुआ है यहां तक ये बीकर सारा भर जाए तो अब इसमें हमने ऐड कर देना है सारा पानी

ऐसे ही बेटा चले मैं आपसे एक और एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व करवाता हूँ चलिए बेटा अब सपोज हमने क्या करना है जीरो पॉइंट सोल्यूशन से हमने यहाँ पे बनाना है फाइव हंड्रेड सेंटीमीटर इधर फाइव हंड्रेड कर लें हंड्रेड की जगह पर फाइव हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब कर लें और हमारे पास अब जो फ्लास्क है सपोज वो फाइव हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब वाली है फार्मूला यूज करें और आप मुझे बताएं कि हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन में कितना वॉल्यूम ट्रांसफर करें और बाद में उसमें पानी ऐड करें तो ये वाला सॉल्यूशन हमारे पास बन जाए चले शाबाश जल्दी से कैलकुलेशंस करें और मुझे बताएं सॉल्व कर रहे हैं बेटा अब्दुल्ला ने सॉल्व कर लिया है बाकी बच्चे भी सॉल्व करें जीरो पॉइंट वन मल्टीप्लाई बाय वी वन तो हमने फाइंड करना है मैं जरा क्लियर करके लिखता हूं जीरो मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो वन मल्टीप्लाई बाय फाइव हंड्रेड आ जाएगा आप यहाँ पर क्योंकि हमें रिक्वायर्ड फाइव हंड्रेड है तो वी वन इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो बाय फाइव हंड्रेड divided by 0.1 इसका आंसर कितना निकलता है बेटा 50 आप को हो इसको मैं सॉल्व करके चलो तो इसको करते हैं बेटा मैं 0. 1 multiply by 500 0. 1 50 सेंटीमीटर क्यूब जी बेटा तो इसका मतलब है अब हमने यहां से क्या करना है अगर हम यहां से इसका आंसर आया आया बेटा V1 आया है फिफ्टी सेंटीमीटर क्यूब अगर हम यहां से फिफ्टी सेंटीमीटर क्यूब इसमें पहले दूसरी नई फ्लास्क में कर देंगे और बाद में इसमें क्या ऐड कर देंगे पानी एक्स्ट्रा वाटर ऐड कर देंगे और कितना वाटर ऐड करें कि इस निशान तक पानी हमारे पास सारी बॉटल फिल हो जाए तो अब जो ये न्यू सॉल्यूशन बना है ये कौन सा है फाइव 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन है अगर 0.01 ना हो हमें 0.05 बनाना पड़े तो फिर इसी फार्मूला के अंदर वैल्यूज चेंज होती जाएंगी और हम किसी भी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से कोई सा भी न्यू साइलूट सोलूशन प्रिपेयर कर सकते हैं समझ आ गई बेटा अब आप लोगों को अब इसको जरा एक बार बुक से रीड करते हैं फिर मैं आपसे पूछता हूँ बेटा ये उसने कैलकुलेशंस की और ये हमारे पास इसका जो आंसर आया बेटे टेन सेंटीमीटर क्यूब

तो एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है बेटा उसके ऊपर इधर ग्रेजुएशन हुई होती है जिस तरह से बच्चों के फीडर के ऊपर ग्रेजुएशन होती है एक दो तीन चार पांच या जिस तरह से उसके ऊपर इंजेक्शन की सरेंज के ऊपर लिखा होता है तो वैसे ही वैसे ही एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे कहते हैं पिपिट ग्रेजुएटेड पिपेट तो उसके जरिए हम यहाँ पर 10 10 सेंटीमीटर क्यूब तक फिल करेंगे उसको बेटा आवाज कट रही है मेरी ओके बच्चा तो 10 सेंटीमीटर क्यूब बेटा हम वो एक बोतल से दूसरी बोतल में ट्रांसफर कर देंगे जैसे यहां पर ये यह हमने अभी देखे ना बेटा इसमें हमने ये कहा

और यहां से पिपेट की हेल्प से हम टेन सेंटीमीटर क्यूब

एड वाटर अप टू दर्क एड वाटर मार्क और वो मार्क कहां पर मौजूद है प्रेजेंट एट द नेक ऑफ द फ्लास नाउ एटी जीरो पॉइंट जीरो और अब जो सोल्यूशन बनना है वो क्या है जीरो पॉइंट जीरो बेटा हमारा आज का ओवरऑल टॉपिक था मैं एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूं माई इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल वो मुझे बता रहा है तो आई होप क्या आपको ये समझ आ गया होगा बेटा मैं रिवाइज कर देता हूँ आखिर में हमने बेटा एक हमें कंसेंट्रेटेड एक सोल्यूशन दिया गया था खुद प्रोड्यूस किया पानी, वो लिया, लिया, और उसमें इतना पानी कर दिया कि वो केम एन ओ फोर का जीरो पॉइंट वन मोलर सोल्यूशन था अब उससे हमने एक डायलूट सोलूशन प्रिपेयर करना है उसका हमें, उसकी मोलरिटी भी दी गई है उसका वॉल्यूम भी हमें बता दिया गया है कि इतना वॉल्यूम और इतनी मोलैरिटी का एक नया सोल्यूशन बनाओ तो हम ये बोला एम वन वी वन क्या है कि हम से कितना वॉल्यूम नई फ्लास्क में ट्रांसफर करें और बाद में उसमें एक्स्ट्रा वाटर इतना ऐड कर दें कि वो 500 सेंटीमीटर क्यूब या 100 सेंटीमीटर क्यूब या जो भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी हमें प्रिपेयर करनी है वो हम फ्लास्क लेंगे और उसमें इतना पानी ऐड कर देंगे तो हमारे पास एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा तो ये बेटा हमारा एक आज का टॉपिक था मुझे बताएं बेटा आपको उसको समझ आई कि हमने क्या करना था कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन से सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करना है एम वन वी वन इज इक्वल टू एम टू वी टू का फॉर्मूला यूज करके बेटा इस इस लेक्चर को एक बार दोबारा घर में आपने अच्छे से रिवाइज करना है इस टॉपिक को रिवाइज करें और अगर समझ नहीं आएगी तो आप मुझसे कल दोबारा पूछ लेंगे जी बेटा शमाज बोले ओके ओके okay, बच्चों बहुत से बच्चों को समझ आ गई है अगर किसी बच्चे को मिशाल बेटे आपको समझ आई है जो न्यू बच्चा हमारे पास क्लास में आया था उसको समझ आई है बेटा मुझे आपको नाम तो नहीं याद रहा जी बेटा नुमान आप जरूर उनको देख लीजिएगा ओके okay, बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है अल्लाह हाफिज